दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं, इसमें हम लोग जो है आज 50 प्रश्नों को देखेंगे पूर्व के ही भांति। अभी तक जो है 9 वीडियोस जो है अपलोड की जा चुकी है, चैनल के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, तो उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को। तो 450 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। और जो है किशनगढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इनकी स्थापना के अनुसार जो है सही कालानुक्रम क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले जयपुर की स्थापना की गई थी, फिर किशनगढ़, फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण जो है कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण जो है ये 7 चरणों में पूरा किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है कि कु जो है संबंधित है, कु किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भील जनजातियों के घर को जो है कु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला राजस्थान डैश राज्य था। राजस्थान मतलब पूरे देश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को आरम्भ करने वाला कौन सा स्टेट था। तो इसका राइट आंसर है प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुख्यमंत्री का 7 स्तरीय 7 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है, तो ये नारी सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का वह कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए जो है प्रसिद्ध है, रत्न बाजार के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो जयपुर जो है रत्न के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि इसमें जो है जोड़ी मिलाना है, एक तरफ जो है पशु प्रजनन केंद्र दे रखा है और एक तरफ जो है नस्ल दे रखी है, तो इसमें जो है क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सी होगा इसका, डक का जो है सी होगा, और जो है दो का जो है बी ही है, चांदन जो है थार पारकर और मोहर जो है राठी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मंगला और सागढ़ जो है निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं। मंगला और किशन सागर जो है निम्न में से किस खनिज खनन क्षेत्र से है। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर है लिग्नाइट कोयला के लिए जो है मंगला और सागर जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक जो है संत रामचरण जो है कहाँ पैदा हुए थे। तो सोडा डिग्गी में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बीकानेर लोक परिषद की जो है स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी, तो ये कलकत्ता में जो है हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। धूलकोट जो है कहाँ स्थित है, धूलकोट जो है कहाँ स्थित है। तो ये आहाड़ में स्थित है धूलकोट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। तो जुडोला जो है ये जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा रासो जो है राजपूतों की उत्पत्ति को जो है अग्निकूट से संबंधित करता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये अग्निकूट से राजपूतों की उत्पत्ति की चर्चा करता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर जो है
खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है? जिसके ओर चारों ओर खाई होती है वह जो है पारिक दुर्ग के श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि जय नायक ने जो है कौन सी कृति की रचना की थी? तो पृथ्वी राज विजय की रचना जो है जय नायक ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है कि खानवा का युद्ध लड़ा गया तो ये 1527 में जो है लड़ा गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह है कि कौन सा दुर्ग टीला है, ये जो है चिल्ला का टीला जो है कहलाया, कौन सा दुर्ग जो है चिल्ला का टीला कहलाया, तो ये जयगढ़ कहलाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पन्ना दहा ने जो है किसके जीवन को बचाया था? वह है पन्ना दहा ने जो है जिसके जीवन को बचाया वह है, तो ये राणा उदय सिंह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जो है जानी जाती है? तो ये मंगरा को चक्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है कि किस जल विद्युत परियोजना में जो है सब भागीदार नहीं है राजस्थान सरकार की? तो ये माही में जो है नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। किस क्वेश्चन इस तरीके से है कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ जो है सहभागिता जो है नहीं की है? तो ये माही के साथ नहीं की है, बाकी जो है सभी के साथ जो है किसी न किसी के साथ सहभागिता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सोम कमला अम्बा जो है सिंचाई परियोजना स्थित है, सोम कमला अम्बा जो है सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आती है? तो कोलायत जो है आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किशनगढ़ जो अजमेर में है हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है कब किया गया? तो ये 2017 अक्टूबर में जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक युग्म जो है सुमिलित नहीं है? तो ये टंगस्टन पलाना मंगला जो है ये संबंधित नहीं है खनन क्षेत्र से, बाकी जो है सभी सही है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है कि भीम सागर जो है स्थित है, भीम सागर स्थित है तो ये झालावाड़ में भीम सागर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसे जो है बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है करौली जिले में अवस्थित है? तो कैला देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से जो है कौन सा मेला जो है प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी के नाम से जो है कौन सा मेला जो है प्रसिद्ध है? तो ये शीतला माता का मेला जो है बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता है, तो सप्तरथ इसकी प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाला का जो अभिलेख है ये किसे है? तो ये प्रतिहार ककुर का के से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है जयपुर की स्थापना एवं शहर के निर्माण योजना की जानकारी जो है देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बुद्धि विलास। अगला प्रश्न है हाड़ी रानी और कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पूर के ताम्रपत्र।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस जिले के उत्तरी द्वार का जो है अष्टधातु दरवाजा जो है 1765 में जो है लाल किले से उतार कर लाया गया था। तो ये लोहागढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, किस लोकवाद्य में जो है महारत होने से जो है साकर खाने का को जो है 2012 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर कमाईचा। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जो है जाना जाता है? तो ये अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसे जो है गढ़ जो है बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की उत्तर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप जो है जल ग्रहण कहाँ से करता है? तो ये माही सागर, माही बजाज सागर बांध से जो है जल ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास जो है क्या है? इस समय चुनाव का समय चल रहा है, माफी चाहूंगा, कांग्रेस से किसी पार्टी का लेना देना नहीं, ये जो है ये खरपतवार है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? एक तरफ मृदा का प्रकार दे रखा है और एक तरफ जो है क्षेत्र दे रखा है। तो ये ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यही जो है रॉन्ग है, वर्टिसोल्स शुष्क स्थान जो है ये नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो ये संरक्षित से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो ये सीता माता अभयारण्य वन जीव अभयारण्य में जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है किसके द्वारा जो है प्रायोजित है? तो ये जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जो है घोषित है। अगर आप कहेंगे तो पूरी डिटेल एक क्वेश्चन से जो है पूरी डिटेल के साथ डिस्कस वो भी मैं आपको जो है कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके समय बचाने के लिए सीधा आंसर ही बता रहा हूँ जो पूर्व के एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में जो है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है क्रियान्वित होता है? तो ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो उदयपुर नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित जो है किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोनों को। अगला प्रश्न हमारा है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कब चालू की गई थी? ये फरवरी 2016 में चालू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही नहीं है, नहीं कह रहा है? तो इसमें जो राइट आंसर है, सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, यही नहीं है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए, और जो है अगली वीडियो जो है आपको जो है कुछ ही समय में जो है प्रोवाइड की कर दी जाएगी लाइब्रेरी साइंस की, तो उसे भी देखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।